बोल रहा हूं वक्त के होम मिनिस्टर से भी, वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते नॉर्मल। ये मैंने बहुत पहले डीजीपी से भी कहा, मैंने कहा आपके रैंक के ऊपर है कश्मीर इशू, आपके पास मैंडेट नहीं है इस कश्मीर इशू को सॉल्व करने, किसी आर्मी अफसर के पास मैंडेट नहीं है। ये कश्मीर के लोगों से वादा किसने किया था? हुकूमत हिंद ने किया था। अब ये बोल रहे हैं 30 साल पहले फिरका परस्त लोगों ने हमारे हाथ में बंदूक उठाया, यही लाल जो था यासीन मलिक का इलेक्शन एजेंट था, माफ था, किसने बंदूक हाथ में दिया हमारे? फारूक इंदिरा अकाउंट को क्यों नहीं अप्रूव करते? आपके लीडर तो इमरजेंसी में अंदर थे ना, 30 साल पहले किसने हमारे हाथ में बंदूक दिया? 53 में आप उसकी तय तक जाते, क्योंकि इस समाज में सब तो इसके लिए हमें बान उठाना चाहिए, इसके लिए हमें तो बान उठाना चाहिए। क्या हम आगे आगे बात भी कर सकते हैं? क्या हम यहाँ के लोगों का कत्लेआम करेंगे? गन हाथ में क्या किया आप लोगों ने? हमने इनको पहले ही कहा कि 370-35 है, 5 अगस्त का कोई भी मूव किसी भी कश्मीरी को एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे आप जेल में किसी को मरो, पत्तेदार पे लटका दो, यहाँ मैं हुजूर से बात कर रहा हूँ, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, आज जम्मू का डोगरा भी इस बात को समझ रहा है। जब रिलायंस मार्ट आ रहा है, बाकी लोग आ रहे हैं, वो ये बात को समझ रहे हैं कि भाई ये मूव हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज गिवन बाय द फोर फादर्स ऑफ इंडिया। ये 35 से 370 का सवाल है। अगर आप चाहते हैं अमन उमान यहाँ आए, थ्री स्टेप प्रोसेस हमने क्यों कहा था? पहले तो 370-35 से उसी तरीके से री स्टेट होगा जैसे 5 अगस्त से पहले था। दूसरी बात, तमाम कश्मीर के पॉलिटिकल प्रिजनर्स लीडर्स को रिलीज किया जाए, जिसमें हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट भी है। एक दो टाइम एमएलए को आप तिहाड़ जेल में बंद कर लेते हैं क्योंकि आपको उसकी बात करने से डर लगती है। इस बात को किस जमीयत की बात कर रहे हैं? कौन सी बात कर रहे हैं कि आप झूठ की नहरें यहां बहने लगेगी? नोबडी बिलीव्स यू एनीमोर। आप इतना झूठ बोलते हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे कभी नहीं होम मिनिस्टर ने झूठ बोला होगा कि कोई मेरे इख्तलाफ फारूकुल्ला से अपनी जगह है। फारूक साहब जेल अपने घर में नजर बंद थे और हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट झूठ बोलता है, इससे मजहमत की बात क्या होगी? दिस इज शेम ऑन देयर वर्किंग। अब आपने कहा व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगर आप बोल रहे हैं ना कि भाई रिकंसिलिएशन कैसे होगी, मैं वही बात कह रहा हूँ, रिकंसिलिएशन तब होगी जब आप इस गलती को मानेंगे। बिहार का इलेक्शन, यूपी का इलेक्शन कश्मीर के नाम पे नहीं जाएगा। मैं एक बात इनसे पूछता हूँ। थैंक यू। हमारे पास और भी पैनलिस्ट्स हैं, इसीलिए आपसे माजरत चाहता हूं। मैं तकमील कर रहा हूं, जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट, आई हैव कोऑपरेटेड। 30 सेकंड्स प्लीज। ओके, 30 सेकंड्स। ओके, पुलवामा का अटैक हुआ, जो लोग मारे गए सिक्योरिटी वाले, इनकी पार्टी ने उनके फोटो पीछे लगवाए। इस तरह की ओछी सियासत हो रही है, ये सियासत बंद होनी चाहिए, तब जाके रिकंसिलेटरी मेजर्स लिए जाएंगे। आप यही बात समझिए, तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। इमरजेंसी में जब इनके लीडर निकले, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सबसे आगे थे, तब रामलीला मैदान में कांग्रेस वालों ने बॉबी पिक्चर चलवाई, बोला कोई सुनेगा नहीं, सारी दुनिया ने सुना और उसी दिन पता चला कांग्रेस का डब्बा बंद हो गया। और आज यही बात जो समय बोल रहा हूं, इनका डब्बा भी बंद हो गया।